उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने के मामले में अब सियासत गर्मा गई है। देश भर में भाजपा नेता इस घटना का विरोध कर रहे हैं। वहीं अब इस घटना के विरोध में बुधवार को भोपाल में भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया और रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण मुखर्जी का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और टीएमसी सांसद पर तंज कसा। जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की टीएमसी के सांसद ने और राहुल गांधी जी ने उनका वीडियो उतारा, उसकी निंदा नहीं की, मैं समझता हूँ यह कांग्रेस का चरित्र है, यह कांग्रेस का गंदा चरित्र है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का अपमान करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सारे देश में पुतला दहन का निर्णय लिया है। आज हम यहाँ राहुल जी का पुतला दहन करेंगे और बताएंगे कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी आज सड़क पर है। इस प्रकार की प्रजातंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। बता दें, संसद में इन दिनों सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। इसी घटनाक्रम में मंगलवार को संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ का मजाक उड़ाया था और उनकी नकल उतारी थी। वहीं जब टीएमसी सांसद मिमिक्री कर रहे थे तब राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब देश भर में भाजपा नेता इस घटना की निंदा कर रहे हैं।